अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिनाल खान। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी क्रीम, लाइक मैं इसको बोलूंगी बहुत ही अच्छी क्रीम का रिव्यू। मुझसे बहुत सारे लड़कियों ने पूछा था कि भाई कोई ऐसी हमें स्किन की क्रीम बता दें जिससे हमारी स्किन जो है ना वो अच्छी हो जाए, एक तो ब्राइट हो जाए, कलर साफ हो जाए, दाने निशान जो आ जाते हैं वो गायब हो जाए। तो मैंने इस क्रीम को खुद 6 महीने यूज किया है, तो इस वजह से मैं इसको रिव्यू करने के लिए सबसे बेस्ट कह सकती हूँ मैं अपने आपको, क्योंकि 6 महीने में तो किसी इंसान का भी बदल जाता है अगर आपके साथ रहे तो ये तो फिर भी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्रीम है। खैर, इस वीडियो शुरू करने से पहले हम एक मेरी जो सब्सक्राइबर है बहुत ही प्यारी सी, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर ले लेना वीडियो के अंदर। सो हमारी सब्सक्राइबर है प्रतीक्षा, आई लव यू टू बेबी। अच्छा जी, जिस क्रीम का रिव्यू हम करने जा रहे हैं उसका नाम है फेयर एंड पिंक। ये तकरीबन 4th डब्बा होगा। मैं पहले यूज करी थी, फिर गर्मी आ गई तो मैंने गर्मियों में इसको यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं दूसरी चीजें यूज कर रही थी अभी, सीरम्स यूज कर रही थी। तो इस वजह से मैं जब कोई एक अलग से सीरम यूज करती हूँ या कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मैं अपनी सारी क्रीम्स वगैरह जो नाइट क्रीम रूटीन है ना वो चेंज कर देती हूँ, वो नहीं यूज करती, क्योंकि मुझे उसके एग्जैक्ट रिजल्ट्स पता करने होते हैं कि भाई वो चीज एक्चुअली मैं काम कर रही या नहीं कर रही। इसको मैंने प्रॉपर 6 महीने का टाइम दिया है और इसको छोड़ने के बाद भी कोई ऐसा आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट्स नहीं आते, ठीक है जी। तो मैंने छोड़ के भी देखा हुआ है, मैंने इसको पास रख के भी देखा हुआ है, मैंने इसे दूर जाके भी देखा हुआ है, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, तो मैं अभी रिसेंटली नया बॉक्स लेकर आई हूँ, नया इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा सकूं। हाँ जी, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है और इनकी कंपनी का नाम है फार्मा हेल्थ। अच्छा, इस कंपनी का एक और क्रीम मैंने यूज किया है जिसका नाम है इवेंटोन सी, और वो भी बहुत अच्छी थी, ये जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती है। अच्छा जी, तो जैसे वैसी नहीं होती जो आप लोकल क्रीम्स यूज करते हो ना, जैसे कि मिलती है, क्या नाम है उसका, नाम छोड़ो समझ गए होगे, है ना, फार्मूला क्रीम जो होती है 2 दिन में जो आपका ऐसा पिंक हो जाता है चेहरा, वो वाली नहीं है ये, और वो वाली यूज भी नहीं करनी, ठीक है। उसको भी मैं किस तरह यूज करते और किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो वो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। वो भी यूज की जाती है लेकिन उसको भी करने का तरीका होता है, ठीक है जी, तो जिससे वो आपको नुकसान नहीं देगी। सो अभी जो है ना हम इसको खोलते हैं, क्योंकि खुल नहीं रही, उप्स, मेरी अनबॉक्सिंग ऐसी ही होगी गाइस आगे भी, क्योंकि जज्बाती हूँ ना थोड़ी सी मैं। तो जी, इस तरह की हमारी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी ये है जी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है SPF 13, इसका मतलब कि SPF 15 भी नहीं, डबल, कि आप इसको दिन में लगा के जा सकते हो। लेकिन वो पिंपल के दाने निशान हो गए थे, तो बीच में मैंने क्या किया था, मैंने इसको 2 टाइम लगाई थी क्योंकि मुझे एक इवेंट में जाना था और मुझे जल्दी से जल्दी अपने निशान जो है ना वो बिल्कुल ठीक करने थे। तो मैंने इसको सुबह में लगाई, लेकिन मैं सुबह उठती थी, मूड होती थी, नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद मैं इसको लगा लेती थी, ऐसा मॉइस्चराइजर। तो ये है कि पूरे दिन ये, जब तक मैं दोबारा मुंह नहीं धोती तब तक ये लगी रहती थी, और मैं रात को भी लगा के सो रही थी, तो इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो चीज़ अच्छी है यार वो अच्छी है, इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज आप लोगों को पता है मैं कोई प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करती आपको, घर की क्रीम्स में या घर की रेमेडीज में आपको रेकमेंड करती थी, क्योंकि मुझे पता है उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर आप लोग यूज करते हो, अगर आप उसको गलत भी बना लोगे ना तो भी एटलीस्ट उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा आपको। बट अगर मैं कोई प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैंने उसको यूज किया है, उसको मैंने हर तरह से यूज करके दिखा है। सबसे पहले हमने मुंह धोना है बिल्कुल साफ, जो भी आप फेस वॉश वगैरह जो भी दुनिया की चीज यूज कर रहे हो मुंह धो लो अपना उससे। अच्छा जी, तो ये लड़के भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ लड़कियां यूज कर सकती हैं, नो, ये लड़के भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसा होगा कि अगर आप लड़की हो तो आपके चेहरे के ऊपर ये 15 दिन में रिजल्ट दे देगी, मगर अगर आप लड़का हो तो 1 महीने तक आपको रिजल्ट आएंगे, क्योंकि लड़कों की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। बट हो सकता है कि आप लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाए। आपके साथ क्या करेगी, सबसे पहले तो ये आपके चेहरे पे लाएगी ग्लो, ठीक है जी। दूसरी चीज, ये आपको मॉइस्चराइज कर देगी, अच्छा, और तीसरी चीज, ये आपका जो कॉम्प्लेक्शन है ना उसको इम्प्रूव कर देगी, ठीक है जी, और नरिशियस, आपकी स्किन को नरिशियस कर देगी। क्योंकि जब हम इसको यूज करते हैं ना हमारी स्किन ऐसी हो जाती है जैसे ऐसी नजर आ रही है आपको, ऐसी ही हो जाती है, एक नरम सॉफ्ट टाइप हो जाती है और एक जैसे हल्का सा ग्लास स्किन वाला टेक्सचर आने शुरू हो जाता है कि आपकी स्किन के सारे दाने निशान जितने होते हैं ना सब वाइप आउट हो जाते हैं बिल्कुल। 4-डायमेंशन फेयरनेस, फेयर इन पिंक। अब दूसरी चीज कि ये कितने की मिलती है, मेरे ख्याल से 700 कुछ की मिल रही है अभी फिलहाल, और मैं अभी इम्तियाज सुपर स्टोर से लेकर आई हूँ कराची वाले।
अब मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ, आप जब भी कोई भी चीज बाय करो ना, हम लोग एक्सपायरी चेक करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर डेट नहीं चेक करते। हमें मैन्युफैक्चर डेट चेक करनी चाहिए। क्यों? हम लोगों ने एक्सपायरी डेट चेक कर ली कि भाई अभी इसको खत्म होने में एक्सपायरी 2-3 या चलो 6 महीने बाकी है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चर डेट में लिखा होता है कि कब बनी थी। अब जब ये क्रीम यूज करते हो ना, इसकी मैन्युफैक्चर के बाद, ओपन करने के बाद आपने इसको तकरीबन 6 महीने के अंदर इसको यूज करके खत्म कर दो। लाइक मैन्युफैक्चर जब आप इसको बाय करो तो या तो 1 महीने पुरानी हो या तो 2 महीने पुरानी हो, ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्मियां पड़ती हैं, ये इसके अंदर भी कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं लिटरली पैक लेकर आई थी, लेकिन जब मैंने इसको खोला ना तो वो बहुत अजीब सी निकली थी, तो मैंने ये फेस किया हुआ है एक बार। तो इसीलिए अब आपने मैन्युफैक्चर डेट देखनी है कि बहुत पुरानी नहीं हो, कि बहुत 6-1 साल पहले बनी थी, 2-3 महीने पहले बने। जैसे मैं अभी लेकर आई हूँ ना, इस पे मैन्युफैक्चर डेट लिखी है 7वां महीना 2021, और अभी कौन सा महीना चल रहा है, 8वां 9वां चल रहा है ना, तो इसीलिए ये 2 महीने पुरानी ही है मैन्युफैक्चर इसकी, तो अभी ये सही है। आपने 6 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी मैन्युफैक्चर डेट पे नहीं लेना, ठीक है जी। तो इसको हम खोलेंगे, और इसको हम यहां से खोलेंगे पहले, क्योंकि ये बिल्कुल अभी पैक है, और ये इसका खुजली हो रही है यहाँ पे मेरे, पैक है और ये अभी इसका लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, दिख रहा है? सील लगा हुआ है, सील चेक करके लेनी है। इसके अंदर की जूब किस कलर की होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी हल्की सी व्हाइट, और हल्का सा बिल्कुल लाइटली स्लाइटली जो है ना, हल्का सा बिल्कुल हल्की, लाइक ऑफ व्हाइट जो कलर होता है ना उस कलर की होगी, बिल्कुल एकदम से ब्राइट व्हाइट भी नहीं होगी, ऑफ व्हाइट और हल्का सा येलोइश टच होता है इसके अंदर, ऐसी होती है व्हाइटिश टाइप की। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना मुंह धोना है, निकालने के बाद मुंह नहीं धोना, पहले मुंह धोना है, उसके बाद आपने इसको निकालना है, और आपने अपने फेस के ऊपर हल्का सा पानी या रोज वाटर हल्का सा स्प्रे करना है, या अगर आप कोई टोनर यूज करते हो, वैसे मैं टोनर रेकमेंड नहीं करूँ क्योंकि उसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स चल रहे होते हैं, तो इसलिए आपने हल्का सा कोई पानी या रोज वाटर स्प्रे कर लो। देन उसके बाद आपने इतनी सी अमाउंट लेनी है, इतनी बहुत है, अपने हाथों पर लेना है, ठीक है, इसको अपने ऐसे रब करना है और अपने चेहरे पर लगा लेना अच्छी तरह से, ऐसे करके ऊपर ऊपर की तरफ लिफ्ट करके, 2-3 सेकंड का मसाज भी कर सकते हो, उससे अच्छा सा हो जाता है। तो इसको ऊपर करके नाक के पास, आंखों के नीचे, ये मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को, तो अगर आप आंखों के नीचे भी अच्छी तरह से लगाओगे ना तो आपको डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं होंगे, और आई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। तो मैं इसको अपने हाथ पे लगा कर लेते हैं रिविजन। सबसे पहला पॉइंट, मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दिन और रात में दोनों टाइम आप यूज कर सकते हो, बट अगर बहुत तेज धूप में निकल रहे हो तो अवॉइड करो, क्योंकि क्यों कह रही हूं मैं, इससे नुकसान कोई नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये जो है ना वो थोड़ी सी मॉइस्चराइजर टाइप है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो ये थोड़ा सा आपके ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा ज्यादा, तो इस वजह से, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो अगर मैं घर में ही होती हूँ ना, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता तो मैं लगा लेती हूँ, अगर मुझे बाहर भी जाना है एज अ मॉइस्चराइजर यूज करना है तो इन्नी सी यूज करनी है, बस इन्नी से ज्यादा नहीं यूज करनी है। चीप है, बहुत महंगी नहीं है, 700 के अंदर अंदर आ जाती है, साइज 700 या 750 में आ जाती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, और ये आपकी तकरीबन 2-3 महीने चल जाएगी आराम से, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी लगाने होती है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी होती पूरे मुंह के ऊपर, एटलीस्ट 2 महीने तो चलेगी ही चलेगी अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करो। और शुरू के महीनों में जब आप इसको शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपने इसको रोजाना लगाना है, आपको छोड़ना नहीं है, 1 महीने तक डेली लगाना है, उसके बाद भले आप एक दिन के बाद लगाते रहो। इम्पोर्टेंट पार्ट जो लड़कियां सुनना चाहती हैं, क्या ये हमारा रंग गोरा कर देगी? बिल्कुल, या आपका रंग गोरा कर देगी, आपकी स्किन को अच्छा कर देगी, आपके स्किन के अंदर अगर कोई दाग धब्बे हो रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एक्नी मार्क्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, सबको साफ शफाफ शफा चट कर देगी, शफा चट ओ फो। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, अभी कर दें, अभी इसी वक्त फौरन से, जल्दी से, राइट नाउ, मैं वेट कर रही हूँ, कर दियो, दिखाओ।
करो भाई, नहीं हुआ अभी, ब्लू करो उसको, ब्लू ब्लू। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो है वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि सफर को क्या कहते हैं हिंदी में, सफर लाइक सफर ट्रैवल, ट्रैवल को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं फौरन से। इस वीडियो में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने अम्मा अब्बा का ख्याल रखिएगा, और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मुझे मिस करते रहिएगा, मैं बहुत जल्दी आऊंगी आपसे दोबारा मिलने के लिए। जाओ, नहीं जाना, मैं चले जाती हूँ, ता-ता।